नमस्कार, आप देख रहे हैं इजी शिक्षा। मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। आज हम बात करेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य है। ये पाकिस्तान के साथ अपने क्षेत्र के पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है और इसकी सीमाएं रखता है। राज्य विभिन्न एनवायरमेंटल और जलवायु परिस्थितियों का आनंद लेता है और इसके आसपास विशेष त्यौहार और कार्यक्रम होते हैं। राज्य की उत्कृष्ट विशेषताओं में पारंपरिक वस्त्र शैली, नृत्य रूप, भोजन और प्राकृतिक परिदृश्य महत्वपूर्ण है। राज्य की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं एशियाई शेर, कच्छ का रण, रंगीन हस्तशिल्प, जीवंत और असाधारण नृत्य रूप हैं। गुजरात के त्योहार और संस्कृति भी काफी मशहूर है। अहमदाबाद पूर्व राजधानी और भारत का सबसे बड़ा शहर और सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र था। साथ ही शहर का ऐतिहासिक महत्व है। ब्रिटिश भारत के संघर्षों के साथ महात्मा गांधी ने यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ अपने अभियानों के लिए मुख्यालय के रूप में अपना साबरमती आश्रम बनाया था। राज्य आत्मनिर्भरताओं के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जहां नमक बनाने के लिए सबसे पहले और प्रमुख उद्योगों की संस्थापना की गई थी, जो हर घर में बुनियादी आवश्यकता वस्तु थी और ब्रिटिश काल का बहिष्कार करने और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का भी प्रतीक था। उपमहाद्वीप में राज्य की अधिकतम तटीय सीमा है। आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्य में गहरे हरे घने जंगलों से लेकर सफेद नमक के मैदानों तक अद्भुत विविधता है। 1500 किलोमीटर से अधिक समुद्र तट विकसित किया गया है और मध्य पूर्व यूरोप और शेष दुनिया के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्रवेश बिंदु है। तटों पर जल निकाय कुछ अनदेखी प्रजातियों का घर है। राज्य के वनस्पतियों और जीवों को इतनी खूबसूरती और भौगोलिक रूप से तैयार किया गया है कि कुछ विशेष प्रजातियां जैसे शेर और बाघ केवल राज्य में ही मौजूद हैं। राज्य भारी प्रभावों के कारण विशाल और विविध संस्कृति, लोगों, स्थानों और परंपराओं, त्योहारों और इतिहास का सम्मेलन है। हर नए आक्रमणकारी के साथ एक नया प्रवेशक विभिन्न अनुष्ठान प्रथाओं, व्यंजनों, ड्रेसिंग की शैली, मेलों और त्योहारों के साथ आया। समारोह इस आश्चर्यजनक रूप से विविध और खूबसूरती से स्वस्थ राज्य का हिस्सा बन गए हैं। ये व्यापार की मात्रा और विविधता, वाणिज्य, लोगों की संरचना, जनसंख्या के कौशल, कुछ भौगोलिक कारकों और मानवीय इच्छा और हर दृष्टिकोण को शांति से स्वीकार करने की क्षमता के कारण संभव हुआ है। राज्य के प्रमुख शहर अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भूज और जूनागढ़ जामनगर हैं। प्रमुख बंदरगाह कांडला, मांडवी, मुंद्रा, सिक्का, ओखा, पोरबंदर आदि हैं। अब जानते हैं राज्य की धार्मिक संरचना के बारे में। यहाँ पर 79% हिंदू हैं, इस्लामिक 9%, जैन 1%, क्रिश्चियंस 0.5%, सिख 0.2% और बुद्धिस्ट 0.1% हैं। कम वर्षा के कारण गुजरात का वन क्षेत्र अधिक विविध नहीं है। बबूल, केपर्स, भारतीय बेर और टूथब्रश झाड़ियों के प्रमुख प्रकार के वृक्षारोपण हैं। कुछ भागों में सागौन, कत्था, धुरा की लकड़ी और बंगाल कीनो भी पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान न केवल राज्य बल्कि काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में भारत के मुख्य आकर्षण में से एक है, जिसमें दुर्लभ एशियाई शेर, एंडेंजर्ड भारतीय जंगली गधे हैं। अहमदाबाद के पास बर्ड सैंक्चुरी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पूरे सर्दियों में साइबेरियाई प्रजातियों और पक्षियों के लिए ये एक प्रवासी स्थान है। कच्छ का रण वृहद राजहंस के लिए भारत का एकमात्र मैदान है। गुजरात का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ की जनसंख्या मछली पकड़ने की गतिविधियों, शिल्प और कला, वनस्पति और जीव प्रबंधन, हीरा और कपड़ा उद्योग में भी शामिल है। गुजरात भारत में तंबाकू, मूंगफली और कपास का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। अब जानते हैं गुजरात के कॉरपोरेट या फिर उद्योग के बारे में। कृषि, गेहूं, बाजरा,
चावल, ज्वार प्राथमिक खाद्य फसलें हैं। प्रमुख नकदी फसलों में कपास, तिलहन, तंबाकू और गन्ना शामिल है। वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग और पशुधन भी महत्वपूर्ण है। राज्य परिचालन बाड़ की सफलता के लिए जिम्मेदार है और इस प्रकार दूध और उसके उत्पादों के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक के नाम दर्ज है। सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होता है, चाहे वह कृषि गतिविधियां हो या कृषि आधारित उद्योग जैसे सहायक उद्योग हो। दूसरा, संसाधन और शक्ति। चूना पत्थर, मैंगनीज, जिप्सम, कैल्साइट और बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऊर्जा और बिजली की आपूर्ति कोयला गैस ईंधन वाले थर्मल प्लांटों द्वारा की जाती है और इसके बाद पन बिजली जनरेटर पवन फार्म होते हैं, क्योंकि राज्य में इसके लिए उपयुक्त तापमान और वातावरण है। तीसरा, विनिर्माण और श्रम। भारत का विनिर्माण क्षेत्र राज्य के उद्योगों जैसे रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और पॉलिएस्टर वस्त्रों पर निर्भर है। विभिन्न कारखाने, संयंत्र और बड़ी तेल रिफाइनरियां यहाँ पर मौजूद हैं। चौथा, परिवहन। रेल, सड़क, जलवायु परिवहन की अच्छी कनेक्टिविटी है जिसके कारण यहाँ पर इसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। पांचवा, पर्यटन। विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों के साथ राज्य में कई प्राकृतिक सुंदरताएं हैं। कई राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे कि एशियाई शेर। यहाँ की संस्कृति और परंपरा पहले से ही देश के पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन आकर्षण केवल यहीं तक सीमित नहीं है। राज्य की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होने के लिए दुनिया भर से इच्छुक उम्मीदवार हैं। छठा, रचनात्मक। विभिन्न उपयोगिता के साथ विभिन्न हस्तशिल्प उत्पाद अत्यधिक मांग में हैं। विभिन्न प्रकार के कला रूप उपलब्ध हैं विभिन्न उत्पाद लाइनों के और त्योहार भी इनके इर्द गिर्द बुने जाते हैं। इसके अलावा शैक्षिक और रोजगार के अवसर आते हैं जिसमें रसायन और उर्वरक का उत्पादन, कपड़ों के लिए कच्चे माल का उत्पादन, प्रामाणिक भोजन के लिए स्टोर, खान पान व्यवसाय, पापड़ उत्पादन, वेबसाइट विकास और ई कॉमर्स प्रबंधन, नमक का उत्पादन, मसाला उत्पादन, पत्थर, रत्न और आभूषण, प्राचीन वस्तुओं का भंडार आदि शामिल हैं। हम आशा करते हैं कि आपको गुजरात के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।